बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सब तरीफा उस दात वास्ते जरा सारे जहान सरदार है। मैं हाकिम खान विनी तुसन दे पे यूट्यूब चैनल थल देवासी। आज दी वीडियो स्टार्ट करन तो पहले सारे चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो। असं इस टाइम जी जहाँ मौजूद आना जी इतने फिल्ट्रेशन प्लांट लगो है, ये लोगों अपनी मदद तहत आप लाया है। इतों लोग पानी भरे सन, साफ सुथरा पानी हो सी, क्योंकि इलाके का पानी जरा जो कौड़ा है। तो इतने के जोड़े मसायल हैं आवाम बार बार रिक्वेस्ट कर रही है दूसरे तीसरे दिन तू कि इतने नाल एक नाला गुजरता पे जी, उसे इतनी गंदी समैल आ रही है जी। वो थोड़े कहें तो लोगों को मसायल भी पूछते हैं कि मसला है कि जोड़े लोग एरिए जी वो मिठा पानी गिनवाते हैं, क्योंकि इलाके का पानी गर्म खराब होने की वजह ना जी इतने मिठा पानी है। तो इन्हें फिल्टर अपनी मदद तहत आप लवाया है। हूँ अगला इधर तुम मसला दसें के मसला है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा तुसें सन सड़िया इस नाले वास्ते जी, ये जड़ा नाला गंदा नाला है, तूते पानी कट्ठा थींदा है, मच्छर वगैरह आंदा है, इसे वास्ते तुसें सड़िया है, तुहारे के मसाइल हैं? जी इसे वास्ते सड़िया से इत्थे लगा है फिल्ट्रेशन प्लांट जी, ते एक खालन उदे तलू टपदा पे जिदी वजह तू बहुत गंदी स्मेल आंदी है। ते ए पानी उने थाई खलोता है बड़े अरसे तो, असा एक दो दफा अपील भी कीती, आख्या भी है, लेकिन कोनी उना कीता इनु कोई। इसदा कोई ऐसा निजाम करो जड़ा पानी अगर निकल गया करे या इसको कोई थोड़ा जा वसी करा छोड़ो। तो इसी वजह तू काफ़ी सारे जरासीम होने बीमारियां पैदा होनी, बच्चे बीमार हो वेंदे, इतनी गंदी स्मेल आती भाई यकीन करो कोलू गुजरिया नहीं वेंदा। इतने जिस टाइम गरीब आवाम पानी भरन आती है इतनी गंदी स्मेल आती के पुछते हो तुम। इन्हों लोगों का मसला है जी, इसकी सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं, इतने मच्छर इतू डेंगी पैदा होंगे, हफ्ते की बड़ी गंदी स्मेल आती है। और एरिया वाइज जो लोग हैं इतने नाल दुकानदार या मार्केट ये सारे लोग परेशान हैं, घर वाले भी परेशान हैं कि इसकी सफाई का कोई बंदोबस्त किया वे। अमला और आवाम सारी परेशान है, इस वास्ते इनकी खसूसी रिक्वेस्ट है वजीर आला पंजाब न और ज़िले की जितनी इंतजामिया है कि सारे वास्ते कुछ सोचा वे कि लोग परेशान हैं। एक तो फिल्ट्रेशन प्लांट लगो है, लोग पानी भरन वास्ते आते हैं, उन्होंने बहुत सारे मामलात हैं जी, इतने बीमारियाँ तो जरासीम वगैरह हैं, इधर उत्ते कोई ना कोई जरा जी जेरे गौर किया वे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई, के मसला है तुम्हारा? ये पानी वाला मसला है भाई, बच्चे से ढांदे थे जनाब गड्डिया तो बोख खा गई है, तो बुखार छोटे छोटे बच्चे हो गया जनाब, मन इसकी कोई सफाई का मसला थी वे। पानी वाला प्लांट अस अपनी मदद के तहत लाया है, हुकूमत सारा कुछ नहीं करी थी भाई, मेहरबानी करें पानी की कोई निकासी करें। अच्छा थोड़ा मकसद है कि इस पानी का इसका खाले का कोई निकासी का बंदोबस्त करें, बच्चे बच्चे गिर वेंदे थोड़ा ये परेशानी है, मच्छर वगैरह तो बीमारियां इस तू पैदा होंगे, जो फिल्ट्रेशन प्लांट लाया उतु अगर कोई पानी भरना आता तो स्मेल आती है। ये सामने वेख सोने जी नाला वगैरह जरा तो ये इलाके के जोड़े लोग हैं सारे परेशान हैं, छोटे छोटे इन्होंने बच्चे मदरसे वेंदे तो बड़े परेशान हैं जी, बच्चे बच्चे गिर वेंदे इन्हें बड़े मसायल हैं। इसका कोई ना कोई ज़िला खुशाब की इंतजामिया बंदोबस्त करना चाहिए जी पानी की निकासी का। ये एक दो और बंदे को पूछते हैं जी इन्हों का मसला है जी। ये बहुत गंदा नाला है, ये वहाँ बहुत बीमारियाँ पैदा होती हैं, ना इसका पानी कहीं आगे जाता है ना पीछे जाता है, यहीं बहुत अरसे से खड़ा है, ना ही इसमें बहुत स्मेल आती है नीचे से, वहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, यहाँ बहुत आवाम तंग होती है साथ आने जाने वाली, इसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा। हमने दो बार अपील की है लेकिन कोई हल नहीं निकला इसका, इसका कोई मेहरबानी करें और हल निकालें, बराए मेहरबानी इसको बिल्कुल साफ करवा कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, के मसला है तुम्हारा? मसला ये है जी, गंदा पानी जड़ा इतने खलोंदा है, इसका कोई हल किया वे, पहले भी एक दो दफा अर्ज की है, नाल घर इन साढ़े इतने मच्छर वगैरह आके खराब होते हैं ज़्यादा, यानी कि पानी खलोता हूँ गंदा पानी है, तो इसका कोई हल किया वे। फिल्ट्रेशन प्लांट असा अपनी मदद आप लाया, उत्थे पानी भरी दुनिया, उत्थे पानी भर रहे होंगे इतने नाल मच्छर होंगे, गंदगी बड़ी है, स्मेल आ रही होंगी, जिस टाइम बारिश आवे इतने पानी कट्ठा होता और भी ज़्यादा गंदा पानी कट्ठा होता इतने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, के मसला तुसा सन क्यों सर जी? मेन मसला ही है नाले का, छोटे छोटे बच्चे वेंदे कुरान पढ़न, इस टाइम वेंदे फिल्ट्रेशन प्लांट अपने आस आप लवाए हुए हैं, इसी का कोई गुजारिश करो, मेहरबानी करो, तो इसी कोई बेहतरी करी वे। इस तू पहले भी जिले के इंतजामिया तुम आखे जी? आखिया उन्हें क्या आखिया भी इसका कोई हल कढ़ दें? इसका कोई आराम आराम का करींदा, लेकिन करींदा कोई भी नहीं, इसमें चाहता हल कोई वगैरह, यानी आख के वेंदे इसका करींदा कोई नहीं? करींदा कोई भी नहीं, तो इसका कोई बेहतर हल कढ़िया वे, मेहरबानी है थोड़ी, आज कोर्ट के हालात बेहतर हो गए सन, ठीक हो गया जी।